माननीय कांग्रेस की अध्यक्षा, हम सबके बीच उपस्थित पूर्व प्रधानमंत्री जी, सम्मानित श्री राहुल जी, यहाँ पर उपस्थित सभी बहुत सम्मानित वरिष्ठ और गणमान्य नेतागण और सभी राज्यों से आए बहुत प्यारे प्रिय साथियों, आज हम सब हमारे प्रिय नेता स्वर्गीय श्री राजीव जी के 75वें जन्म वर्ष के अवसर पर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये शायद सुखद संयोग ही है कि स्वर्गीय श्री राजीव जी का 75वां जन्म वर्ष है और हमारे प्रिय बापू महात्मा गांधी का 150वां जन्म वर्ष भी है, और ये दो वो नेता हैं जिन्होंने स्वराज की राह हमें दिखाई। प्रिय बापू कहते थे कि स्वतंत्रता का मतलब चंद लोगों के हाथों की सत्ता नहीं है, स्वतंत्रता का मतलब स्वराज है और लोगों की सत्ता में भागीदारी है। आजादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री जी ने, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, राजस्थान के नागौर में सबसे पहली चुनी हुई पंचायत का उद्घाटन किया, मगर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की राह स्वर्गीय श्री राजीव जी ने दी। उनके अपने प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में 64वां संविधान संशोधन रखते हुए उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ देश की आबादी है, मगर चंद 100 सांसद हैं, कुछ हजार विधायक हैं और इतने कम लोग मिलकर करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकते। सत्ता लोगों की है और सत्ता लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए। और मैं तो एक महिला हूं और महिला होने के नाते ये कह सकती हूं कि हम आधी आबादी को, जिनकी आधी से ज्यादा भागीदारी विकास और निर्माण में होती है, जिस तरह से महिलाएं कुशलता से अपने घर के बजट का प्रबंधन करती हैं, राजीव जी को विश्वास था कि महिलाओं के हाथ में जब जन स्वराज सौंपा जाएगा तो उनके जरिए पंचायतों का कुशल संचालन होगा। स्वर्गीय राजीव जी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर जी का जो समतामूलक समाज बनाने की उनकी सोच और नींव थी हमारे संविधान की, उसको आगे बढ़ाया। न केवल अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून को लेकर आए, बल्कि पंचायतों और नगरी निकायों में भी अनुसूचित जाति और जनजाति को निश्चित प्रतिनिधित्व देने का फैसला किया। हमारे सामाजिक ताने बाने को तय करने का फैसला किया और पांचवी और छठी अनुसूची के क्षेत्रों में जो आदिवासी सामुदायिक अधिकार हैं, पंचायतों को उसका विकल्प न बनाकर पंचायतों को उसके साथ मर्ज करने का उन्होंने फैसला किया। इसी से 73वें-74वें संविधान संशोधन की राह खुली और आगे चलकर पेशा का भी कानून बना और आदिवासी वर्ग को, अनुसूचित जाति वर्ग को, महिलाओं को गर्व से अपने अपने पंचायतों के संचालन का अधिकार मिला। मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज हम सब उनके 75वें जन्म वर्ष के अवसर पर खड़े हैं। समय सीमित है, अन्य वक्ताओं को भी बोलना है, लेकिन सत्ता हस्तांतरण की जो पूरी प्रक्रिया है उस पर आज दो लोगों का शिकंजा है। शाह और तानाशाह के इस शिकंजे से सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को हमें छुड़ाना है, और सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया तब तक पूरी नहीं होगी जब तक कि स्वर्गीय राजीव जी के प्रति जो हमारी श्रद्धांजलि है वो तब पूरी होगी कि आज हम यहाँ से संकल्प उठाकर जाएं कि दिल्ली में और राज्य की राजधानियों में तो लोगों की सरकार होगी, लेकिन गांव, कस्बे और नगरों में, मोहल्लों में, महानगरों में लोग ही सरकार होंगे। लोगों की सरकार राजधानी में, लोग ही सरकार गांव में, और जब तक ग्राम सभाएं मजबूत नहीं होंगी, हमारी विधानसभाएं और हमारी लोकसभा से लोकतंत्र अधूरा रहेगा, अछूता रह जाएगा। ये प्रयास और ये संकल्प आज हम सब लोगों को यहाँ से लेकर विदा होना है। हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक कि हम सत्ता हस्तांतरण को अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुँचाते। इसी का संकल्प लेकर हम आज यहाँ से जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,
जय जगत साथियों।